यदि आपके मन में कुछ बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर डाल दो, एवं यदि कुछ अच्छा करने का विचार आए तो आज ही नहीं बल्कि अभी कर लो। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। अपनी पीठ को जरा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि शाबाशी एवं धोखा दोनों पीठ से ही मिलते हैं। हमेशा एक सच्चे मनुष्य को सफाई देनी पड़ती है अपनी बात को मनवाने के लिए, परंतु झूठ को देखो कितना प्रिय लगता है। यदि किसी को परखो तो संसार में कोई अपना नहीं है, एवं यदि समझो तो कोई पराया भी नहीं है। अपने पैसों एवं उम्र पर कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि जो गिनी जा सकती है वो सदैव खत्म हो जाती है। अक्सर मनुष्य आधी से ज्यादा उम्र गुजार देता है पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना। अपने जीवन में कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए कि अपने पुत्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तब वह हर दिशा से प्रहार करता है। जरा देखो इस संसार के लोगों को अपने माता पिता की नसीहत बुरी लगती है, परंतु माता पिता की वसीयत अत्यंत प्रिय लगती है। उम्मीद कभी भी मनुष्य को छोड़कर नहीं जाती, बस मनुष्य खुद ही छोड़ देता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? वो है संसार में समझदारों को समझना। अक्सर इस संसार में कदर करने वालों को बेकदर लोग ही मिलते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो अपने जीवन में सही फैसले का चुनाव करता है। जीवन की दौड़ में जो लोग आपको तोड़ कर नहीं हरा सकते, वो लोग आपको अक्सर तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। यदि ईश्वर मौज में आए तो मौज बना देता है, एवं यदि थोड़ी सी नजर हटा दी तो मोहताज बना देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज ना होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। अत्यंत कठोर हो जाते हैं वो लोग जो भीतर से टूट जाते हैं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। मैं जानता हूँ कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। ईश्वर कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी एक ऐसी पुस्तक है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने सच ही कहा है, मैं पसंद तो सभी को हूँ, परंतु जब मेरी जरूरत हो तब। जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं मित्रों। एक तो आपको पसंद है उसे हर कीमत पर हासिल कर लो, एवं दूसरा जो पास है उसे तुम पसंद करना सीख लो। इस संसार में किसी भी चीज या वस्तु की कीमत मिलने से पहले होती है, परंतु मनुष्य की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, परंतु आंखों से आंसू सदैव बेकसूर के ही निकलते हैं। यदि आपका कोई भरोसा तोड़े तो उसे दिल से धन्यवाद जरूर दे, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि हमेशा भरोसा सोच समझकर करें। आपके दिल की चुभन अवश्य कम होगी। किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। इस संसार में मुफ्त में सदैव माता पिता का स्नेह प्राप्त होता है, बल्कि संसार में प्रत्येक रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। हार कर डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। अपनी बेइज्जती का जवाब भी इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए।
हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम सदैव आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो परंतु उसे पूर्ण करने के लिए जिद का होना अति आवश्यक है। संसार में जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा यह हुआ जनाब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ पल एक दिन मुस्कराएगा, सब्र रखो मेरे दोस्त वक्त एक दिन अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म एवं यदि डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं एवं सुख आता है तो भटक जाते हैं। हे मेरे मालिक, महंगी घड़ी सबको दे परंतु मुश्किल की घड़ी किसी को भी ना दे। आप हमेशा उनके साथ रहे जिनकी तबीयत खराब हो परंतु उनके साथ कभी ना रहे जिनकी नीयत खराब हो। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ईश्वर ने आपको देने वालों में रखा है मांगने वालों में नहीं। यदि आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो आपसे कुछ भी ना चाहेगा। माना दुनिया बहुत बुरी है, सब जगह धोखा है, परंतु जरा हम तो सही बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। वक्त ने फंसाया है परंतु परेशान नहीं हूं मैं, हालात से हार जाए कोई ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी यदि आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हो तब तक आप कभी भी अपनी समस्याओं को मिटा नहीं सकते। जब लोग आपसे मुकाबला करने में सक्षम ना हो तब वह आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इज्जत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी, बस सेवा करो अपने माता पिता की जन्नत भी मिलेगी।